हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन के द्वारा रुबीना अख्तर रिजवी और डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी ने आयोजित किया कार्यक्रम। मुंबई पुलिस के परिवारों के लिए एक मुफ्त वैक्सीनेशन टीकाकरण का अभियान चलाया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के हाथों किया गया। मुख्य अतिथि मुंबई पुलिस के वेस्टर्न जोन के एडिशनल CP संदीप करनी, हिंदुस्तानी भाऊ, सांसद राहुल सेवालय, हाजी सैफ शेख, डॉक्टर खालिद शेख सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे। कोरोना की सेकेंड लहर आई और जब भी वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट हुआ, तभी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है और सभी को वैक्सीनेशन दिया गया मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। लेकिन जो पुलिस के कर्मचारियों की जो फैमिली है, उनको वैक्सीन न देने की वजह से एक उनके घर पे भी थोड़ा एक डर का माहौल था, क्योंकि पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर के हिसाब से पूरा दिन भर काम करते हैं और ऐसे वक्त वो घर पर जाते तो उनके घर वाले भी चिंतित होते। तो आज यहाँ पे उनके फैमिली के लिए एक स्पेशल ड्राइव यहाँ पे रखा हुआ है और मैं फाउंडेशन का भी धन्यवाद मानता हूँ कि उनकी वजह से आज पुलिस फैमिली के लिए वैक्सीनेशन मिल रहा है। ये जो कुछ भी है इनका है, क्योंकि आज तक किसी ने वो जो 24 घंटा हमारे सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं उनके बारे में आज तक कोई नहीं सोचा, इन्होंने सोचा, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों। वी हैव चोजन this day 19 June, because on this day my son Saqib Rizvi, he expired of cancer, and he was a good educationist and he was doing lot of social work. In remembrance of his past deed and past work, we have decided actually to have this vaccination program today on 19th. So that is how actually this special occasion is, special day is chosen for this work. And on this, for deciding this day and for making all this arrangement, my wife Rubina Karthan Rizvi, she gets all the credit. All the credit. All the credit goes to उसका रीज़न ये है कि आप सब लोगों की नॉलेज में है कि पुलिस फोर्स मैक्सिमम काम करता है पब्लिक का, सिटीज़न का, जनता का,
वो भूखे रह के 36-36 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो दो दो दिन तीन तीन दिन घर नहीं जाते, वो जहाँ पर खड़े रहते हैं वहाँ पर उनको खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो हमारी मदद के लिए, हमारी सेवा के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पुलिस और उनकी फैमिलीज़ को अगर हम ये बेनिफिट दें वैक्सीनेशन का, ये वैक्सीनेशन जो है हम लोगों को परचेज करना पड़ा, ये हमको किसी ने डोनेट नहीं किया, हमने उसको वैक्सीनेशंस को परचेज किया मार्केट रेट पे, और पुलिस वाले और उनकी फैमिली को हमने फ्री में दी। इसलिए ये थॉट माइंड के अंदर आया। 500 families और अभी ये अभी और लोगों को भी दिया जा रहा है, ये 4 दिन तक कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये इवेंट 4 दिन तक कंटिन्यूस चलता रहेगा। Yes, 19 was especially from the Mumbai police family. Now for 20, 26 and 27, it's open for all community people. It's my appeal to all of us. I have started donating. I have become a donor of a vaccine. Aap bhi donor ban sakte hain aur aap bhi donor baniye. Sirf first frontline workers को ताली बजाना और उनको सल्यूट करना काफ़ी नहीं, पुलिस के अलावा भी और भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आगे बढ़िए, उनकी मदद कीजिए, उनकी फैमिली की मदद कीजिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स की फैमिली सुरक्षित रहेंगी तो वो सुरक्षित रहेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। मैंने ये कदम आगे बढ़ाया है, आप भी आगे आइए और अपना कदम बढ़ाइए। हम बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं जब हम मैकडॉनल्ड्स वगैरह जाते हैं और खाने के लिए बाहर जाते हैं, पार्टी शादी करते हैं, बट एक कदम ऐसा भी हम उठा सकते हैं। एंड आई बिलीव दैट इंडिया की जनता हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड टुवर्ड्स वन अनदर, सो आई हैव टेकन अ स्टेप एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक दिस स्टेप। हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इज हैविंग टू मैनी सेक्टर्स इन इट। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वी हैव रिजवी संडे स्कूल, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वी हैव रूमी केयर, जब हम कैंसर अवेयरनेस की बात करते हैं तो वी हैव साकिब अख्तर हसन रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स। सो यहाँ हेल्थ की बात थी तो यहाँ रूमी केयर की बात है। रुमेरा अख्तर हसन रिजवी इज़ आर डॉटर, शी इज़ नॉट हियर, शी इज़ इन लंडन, बट उसका भी ये रिक्वेस्ट रहा कि मम्मी 27 जून इज़ माई बर्थडे एंड दिस कैन बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव इट टू मी बाय डोनेटिंग एंड सपोर्टिंग द कम्युनिटी। मैम, इस इवेंट को आपने सक्सेसफुल बनाने के लिए पिछले कई 3-4 दिनों से माइनर माइनर चीज़ों के लिए भी आप आगे इधर एफर्ट दिया, तो कितना डिफिकल्ट था आपको, चैलेंजिंग था कि इसको पूरा एक सक्सेसफुल बनाने के लिए? हम बहुत सारे कैंपिंग्स के बारे में सुन रहे थे और बहुत सारा हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा कैंपेन्स यहाँ वहाँ लगा हुआ है। हमने देखा कि कहाँ कहाँ कौन सी कैसे तकलीफ़ें आईं, रजिस्ट्रेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, ओल्ड एज पीपल स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पहले तो महीना भर पहले ही हम दोनों ने प्लान कर लिया था कि वी आर गोइंग टू कम आउट। वैसे तो थ्रू आउट आपने सुना होगा द होल रिजवी फैमिली जिस दिन से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है उस दिन से हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द रिजवी एजुकेशन सोसाइटी हैज़ बीन हेल्पिंग द पीपल थ्रू आउट महाराष्ट्र, थ्रू आउट मुंबई। हमने सोचा ये और एक ड्राइव सही है, और एक हेल्प सही। सो महीने भर पहले ही हमने प्लान कर लिया था, हमने बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने उन वैक्सीनेशन सेंटर्स का मुआयना किया, हमने देखा कौन सी तब्दीली लानी चाहिए, जो जो वैक्सीनेशन लेने के लिए आते हैं उनको कैसे एट ईज़ हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम साइकोलॉजी के लिए बहुत परेशान होते हैं जब हम वैक्सीनेशन लेने आते हैं। कि माइनॉरिटी इज़ द मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू रूल्स जो मैनेज करता है दैट इज़ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो है फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, बट एजुकेशन हेल्थ एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन एंड वेरी सिक्योर एंड नो कास्ट नो
discrimination, no bias against everyone in our college and in our all colleges of Rijviji society. The teaching and non-teaching staff is also from all community. There is no particular aim that we are going only to help minority. Of course, minorities are getting all the help, whatever is possible. On the same lines, others are getting. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।